ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले हम भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 से 20 तक, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 से 20 तक विल चैंट टुगेदर। नैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जागतो नचार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निपातस्थः नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हम आज भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 17 से शुरू करेंगे। थोड़ा उसका पोर्शन हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन जो कल हमने जो श्लोक करे उसको जो समराइज कर रहा हूं मैं आज सिंपल हिंदी और उर्दू में। वहीं बैठकर वो ध्यान करता रहे हकीकत को पहचान करता रहे, कहीं ध्यान उसका अलावा ना जाए दिमाग और दिल को जो अजमाए, निडर भी हो मन हो जिसका शांत भी, ब्रह्मचर्य से जीवन को चिराग भी, किसी की ना सोचे वो मेरे सिवा, इसी ढंग से होता रहे सबका भला। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू पिक अप ए हायर गोल You are unconcerned with other people, but you are the most beneficial for society. This is important. Lots of people think when you are spiritually evolved, you are selfish. No, you are self-evolved. You are not concerned by other people, but you are most beneficial to society. लोग सोचते हैं spiritual level में आके selfish हो जाता है। No, selfish नहीं होता। वो more caring हो जाता है। जैसे मैंने बताया घर में चार जने पांच जने चार को कंजक्टिवाइटिस हो जाए और आपको ना हो, आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? अपने आप को दूसरों से बचाओ। एयरलाइंस में भी बोला जाता है जब इन केस ऑफ इमरजेंसी एयर मास्क ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले अपने आप को रखो, सेव करो, देन यू सेव समबडी एल्स। सो जब स्पिरिचुअलिटी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात करती है, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती है, so some people consider it selfish. No, it is not selfish. It is actually more beneficial. आप केले के छिलके को भी साइड में करते हो, किसके लिए साइड करते हो? You know किसको गिरने जा रहा है, but your attitude is serving. So जो योगी गुजारे यू ही जिंदगी, जो योगी गुजारे यू ही जिंदगी, उसी की उसे मोक्ष की राह मिलेगी जरूर। हे अर्जुन जो खाए ना सोए बहुत, श्लोक नंबर 16 कहता है हे अर्जुन जो खाए ना सोए बहुत,
समझ लो वही शख्स खोए, सॉरी हे अर्जुन जो खाए या सोए बहुत, समझ लो वही शख्स खोए बहुत, जो दिन रात जागे नादान वही, खुद अपनी तबाही का कारण वही। पिछले श्लोक में बोला जो बहुत ज्यादा सोचता है, सोता है, जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है वो स्पिरिचुअल नहीं है, जो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है वो भी स्पिरिचुअल नहीं है। दिस इज एक्सट्रीमिटी किसी भी चीज की जरूरी नहीं है, एक्सट्रीमिटी किसी भी चीज की जरूरी नहीं है। मैंने बोला वीणा की तार की तरह जिंदगी, वीणा की तार की तरह जिंदगी, यदि तार को लूज कर दोगे बहुत तो संगीत नहीं बजेगा, और तार को टाइट कर दोगे तो टूट जाएगी। सेल्फ कंट्रोल डजंट मीन सेल्फ डिनायल, यू हैव टू हैव अ कंट्रोल, डजंट मीन यू डोंट एंजॉय लाइफ। वो व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है, उस व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत कम खाता है। क्यों? क्योंकि उसको एजिटेटेड आदमी को भूख नहीं लगती। जो बहुत ज्यादा सोता है उसके लिए भी नहीं, जो बहुत कम सोता है उसके लिए नहीं। जब आहार बोला गया उसको आगे श्लोक में 17वें श्लोक में एलोबरेट किया गया। मिडिल पाथ की बात करिए, सातों पांचों लेवल में, फाइनेंशियल लेवल में जो कंजूस हुए मक्खी चूस है उसके लिए स्पिरिचुअलिटी है, जो याशी करता उसके लिए भी नहीं, जो जो बहुत ज्यादा हेल्थ फ्रीक है, बहुत ज्यादा हेल्थ फ्रीक है, हर छोटी चीज में वेइंग स्केल पे खड़ा हो जाता है, उस आदमी को क्या बोलते हैं जिसको बहुत बीमारी का डर होता है? हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया जो है बहुत, मुझे पता नहीं मुझे कैंसर तो नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर से ये तो नहीं होगा, उसके लिए नहीं है अध्यात्म, और उसके लिए भी अध्यात्म नहीं है जो रेकलेस है, केयरलेस है। सो फिजिकल लेवल में जो हाइपोकॉन्ड्रिया जो छोटी छोटी बात पे परेशान होता है, और जो रेकलेस है खाया पिया सो गए, उसके लिए भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जो जिस जो रिलेशनशिप का खलारा लेके बैठा हुआ उसके लिए भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और जिसके अंदर आई डोंट केयर एटीट्यूड है उसके लिए नहीं है। युक्त आहार विहार से वर्स नंबर 17 आज हम करते हैं, वर्स नंबर 17 चैप्टर नंबर 6 विल कंटिन्यू दिस वर्स एंड वी विल एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। चैप्टर युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। To him who is regulated in eating and recreation, regulated in action, who is regulated in sleeping and waking, yoga becomes a destroyer of sorrow. संयमी आहार और विहार वाले को, कर्म में संयमी चेष्टा वाले को, सोने और जगने में संयमी का योग दुख नाशक होता है, दुख का नाश करने वाला होता है। तीन शब्द आए यहाँ पे, आहार विहार और कर्म। आहार मीन्स रिसिप्ट, विहार मीन्स रिस, आहार मीन्स रिसिप्ट, विहार मीन्स रिएक्शन, एंड कर्म मीन्स रिस्पॉन्स। रिसिप्ट, आपके सामने तीन वर्ड आए हैं, रिसिप्ट रिएक्शन रिस्पॉन्स, आहार विहार और कर्म। पूरी हमारी सिस्टम इसी 3R पे चलता है। यू रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड, आप आहार लेते हो, यू रिसीव आहार फ्रॉम द वर्ल्ड। आहार सिर्फ खाने का नहीं है, आंख का आहार है, कान का आहार है, नाक का आहार है,
सारी इंद्रियों का आहार है. दिस इज रिसीप्ट, ये रॉ मटेरियल डल रहा है आपकी, ये रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री पे डल रहा है. दिस इज द आहार. अब जब ये रॉ मटेरियल डल रहा है, माइंड उस रॉ मटेरियल को चर्न करता है. देयर इज अ रिएक्शन विद इन यू, वो विहार है, एंड देन यू गो बैक एंड एग्जीक्यूट योर एक्शन. वो कर्म बन जाता है. रिसीप्ट, रिएक्शन, रिस्पॉन्स. आप आहार लेते हो आंख से, नाक से, कान से. मैं आपको गंदा पानी दूंगा, आप लोगे? मैं आपको गंदा गंदा क्योंकि स्टमक खराब हो जाएगा. सो यू आर वेरी चूजी, वेरी पिक, वेरी वेरी चूजी टू ईट समथिंग विच इज गुड फॉर योर डाइजेशन, गुड फॉर योर बॉडी. फेयर एनफ, नथिंग रॉन्ग इन दैट. लेकिन आंख का आहार कैसा हो रहा है, जीभ का आहार कैसा हो रहा है, कान का आहार कैसा हो रहा है? तो यदि गंध डलेगा दिमाग में तो गंध ही फैलेगा. जितना जति हो कोई, जितना यति हो कोई, कोयले की काठरी में कोयले का रंग भाई लागे ही लागे. जितना जतन करो, जितना यतन करो, कामनी के संग काम जागे ही जागे. सो हम सब लोग को क्या करना है, आहार पे, अपने आहार पे सही. तो योगी कौन है, ध्यान में बैठने का अधिकारी कौन है, ध्यान में बैठने का अधिकारी कौन है? पहला, जिसका पांचों इंद्रियों के आहार पे संयम. संयम doesn't mean self denial, restraint doesn't mean self denial. Self control is you have a control. आपके पास most powerful expensive car है, it doesn't mean आप उसको 20 की स्पीड से चलाओ. यदि पावरफुल कार है तो यू कैन ड्राइव इन अ फास्ट स्पीड. लेकिन आपका उस कार पे क्या होना चाहिए, रिस्ट कंट्रोल होना चाहिए. इफ कार कंट्रोल्स यू, दैट्स अ डिजास्टर. यू शुड हैव अ कंट्रोल ओवर योर बॉडी. दैट इज द ब्यूटी. बट इफ द बॉडी कंट्रोल एंड नोबडी टीचिंग अस हाउ टू कंट्रोल योर इंद्रियां, इंद्रियों को कैसे संयम किया जाए, ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ना स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है. सारी की सारी दुनिया, सरकार, समाज आपको भोग विलासी में बनाने में लगी. इन द नेम ऑफ लव यू टेम्पर योर चाइल्ड, यू टेम्पर योर चाइल्ड. भोग विलास दिया जाता है. सो पहली चीज है, यदि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में आना है, आहार पे संयम करो. योगा वाले बहुत कहते हैं आहार, जैसे खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन. झूठ. जैसा आपका मन होगा वैसा अन्न आप प्रेफर करोगे. जैसा आपका मन होगा वैसा आप खाना प्रेफर करोगे. तो यदि मन में तमस है तो आपको तमसिक खाना पसंद आएगा. यदि मन में रजस है तो रजसिक खाना, सत्व है तो सात्विक खाना. यदि खाने से ही ब्रह्म ज्ञान होने लगा, सात्विक खाने से ब्रह्म ज्ञान होता तो सारे जेल के लोग तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, क्योंकि वहां तो रोज सात्विक खाना बनता. जेलों में तो रोज फ्रेश सात्विक खाना बनता, वो नहीं होता. आपका आहार सिर्फ खाने पीने, पांचों इंद्रियों का पहला आहार. दूसरा, सपोज somebody मेड a nasty कमेंट टू यू, किसी ने आपके बारे में किसी को कुछ कहा, आहार गंदा हुआ. नाउ योर इंटेलेक्ट शुड बी वेरी शार्प. इट्स लाइक ए मशीन. मशीन में रॉ मटेरियल अच्छा है तो ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल खराब है तो मशीन के अंदर इतना सिस्टम होना चाहिए कि उस रॉ मटेरियल को इमीडिएटली थ्रो इट करे. जैसे हमारी बॉडी में होता है, जैसे कोई फॉरन बॉडी, कोई खराब चीज बॉडी में आ जाती है जो बॉडी के लिए सक्षम नहीं है, बॉडी इमीडिएटली थ्रो इट आउट कर देती है. Isn't it true? अब बॉडी में कुछ भी गलत खा लो, बॉडी थ्रो इट आउट कर देती है, फॉरेन बॉडी को रखती नहीं है. बाय द सेम टोकन, यदि बाय चांस किसी ने आपको, आपके बारे में कोई स्टूपिड थॉट डाला, आहार गलत आया, अब उसमें ब्रूड मत कीजिए, उसमें लिंगर मत कीजिए. हाउ कैन शी से दैट टू मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हर, आई डोंट बिलीव शी कैन से दिस थिंग. अब क्या कर रहे हो, यू आर ब्रूडिंग. जैसे जख्म को कुरेदो तो उसमें नासूर बनता है. खुजली बड़ी मजेदार होती है लेकिन नासूर बनती है. तो पहला संयम किस पे,
आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या टच कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो। दूसरा संयम विहार रिस्पॉन्स हो, माइंड सॉरी रिएक्शन कैसे करा। एंड फाइनली व्हेन यू एग्जीक्यूट योर एक्शन, कर्म करते हो, उसमें भी संयम हो, उसमें भी रिस्ट्रेन हो। इम्पल्सिव एक्शन कभी मत करो। इफ योर एक्शंस आर इम्पल्सिव, इट्स अ डिजास्टर इन वेटिंग। बोलने से पहले तोल मोल की बोलो। बचपन में एक जोक सुना था, दांत और जीभ की लड़ाई हुई, दांत और जीभ की लड़ाई हुई, दांत कहने लगा जीभ को, तू बड़ी चरचर चरचर करती है। बच्चों का जोक है। दांत कहने लगा जीभ से, तू बहुत चरचर चर करती है, मैं तुझे कभी भी दबा के रख सकता हूं। दांत ने जीभ से कहा, जीभ ने कहा सही बात है, तू मुझे कभी भी दबा के रख सकता है। लेकिन जीभ ने बोला, दांत को तुझे मेरी वैल्यू पता नहीं, अगर मैंने उल्टा सुल्टा बोल दिया तो तेरे 32 के 32 को ही उखाड़ सकता। तो बोलने में संयम, खाने पीने में संयम, विचार में संयम। और जिस आदमी के जीवन में संयम है, संयम आहार विहार और कर्म वाले, ऐसे आदमी का दुख नाशक होता है, उसका दुख दूर हो जाता है। तो यदि आप दुखी हो, मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब बोलने में नहीं है। दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे, वो दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे, लम्हे ने खता की, दौर भी देखा था, ये दौर भी देखेंगे, लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हा जबान से गंद निकलता है, और 20-20 साल लोग आपकी बात को याद रखते हैं। सो जिसका आहार विहार और कर्मों में संयम है, उसके लिए दुख योग दुख नाशक है। एक और शब्द आया पिछले में, सोने और जागने में संयम। नाउ प्लीज भगवान, जिसका सोने और जागने में ज्ञानी व्यक्ति कभी भी कहीं भी जाग सकता है। एंड लिसन मी केयरफुली, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति कभी भी कहीं भी सो सकता है। जागना वी कैन इमेजिन, यू कैन गेट अप एनी टाइम यू कैन स्लीप, दिस इज एन इनक्रेडिबल फिनोमेनन एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। सोने जागने में संयम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उठने में संयम, सोने में भी संयम, यू कैन स्लीप एनी टाइम। आपको कहे सर हाउ इज इट पॉसिबल, आई हैड अ गुड 8 आवर स्लीप, अब मैं 8 घंटे के बाद मैं कैसे सो सकता हूँ दोबारा। आप कभी योगा सेंटर में चले जाइए, जो पार्क में बैठे योगा कर रहे होते हैं लोग, सुबह सुबह 7 बजे योगा हो रहा होता है, और उस योग क्लास में लोग बैठ योग कर रहे होते हैं, 8 घंटे 9 घंटे नींद करके आए हैं, और जब वो आसन में बैठ के योग निद्रा में बैठते हैं, शवासन में बैठते हैं, और टीचर थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं, देयर आर टीचर हु सेज कि लोग खरांटे मारने लग जाते हैं। मतलब क्या है? इफ योर माइंड इज पीसफुल यू कैन स्लीप, इफ योर माइंड इज पीसफुल यू कैन गेट अप एनी टाइम। तो जिसका सोने जागने में संयम है, जिसका आहार विहार में संयम है, वो व्यक्ति तो दुख पास नहीं आता, और वो अधिकारी है ध्यान योग का। श्लोक नंबर 18 वर्स नंबर चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 18 विल डिस्कस नाउ। यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः। When a perfectly controlled mind rests in the self alone, freed from desire for all objects, then it is said to be established in.
जब पूर्ण तरह से काबू मन मात्र आत्मा में ठहरता है, सारी कामनाओं से इच्छा शून्य होता है, तब ऐसा कहा जाता है कि वो युक्त है। इति उच्यते, भगवान कृष्ण नारायण स्वयं कह रहे हैं, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। स्थित प्रज्ञ के पोषण में भी भगवान जी ने ये शब्द यूज किया, उच्यते। स्वयं नारायण भगवान कृष्ण एरोगेंस नहीं कर रहे कि आई एम सेइंग दिस, दैट्स व्हाट आई हर्ड इट फ्रॉम माय मास्टर, ऐसा मैंने अपने गुरुओं से सुना। तो जिस आदमी का पूरी तरह से अपने चित्त पर काबू हो और अपना ध्यान प्रभु पे लगाओ, जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पे, मन पे, अहंकार पे, इच्छाओं पे काफी हद तक वश हो, जो विवश ना हो, जिसका अपनी इंद्रियों पे, कामनाओं पे, वासनाओं पे काफी हद तक वश हो, जो विवश ना हो, वो व्यक्ति जिसका ध्यान प्रभु में लगाओ, सारी कामनाओं इच्छा शून्य हो। प्लीज समझिए, ध्यान योग की हम बात करें तो ध्यान में कौन बैठे जिसकी डिजायर काफी हद तक कम हो चुकी है। दिस इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ द मेडिटेशन, ये प्रीरिक्विजिट है। ये जैसे हर, जैसे यदि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, योर बायोलॉजी हैज टू बी गुड, यू हैव, यू कांट से मैंने बायो नहीं करी एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर, इम्पॉसिबल। No, मैंने तो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री करी है, फिजिक्स करी है, बट मेरे पास बायो नहीं थी 11th 12th में, बट आई वांट टू बी डॉक्टर। नो, यू हैव टू स्टडी बायो फर्स्ट इन 11th एंड 12th। ये प्रीरिक्विजिट है मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए प्रीरिक्विजिट है मैथमेटिक्स। इंग्लिश लिटरेचर में आप बीए इंग्लिश में करना चाहते हो और आपने 12th में इंग्लिश करी नहीं, तो बेसिक रिक्विजिट है कि आप आगे करें। तो ध्यान के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? वो आदमी ध्यान में बैठे जिसका रिलेटिवली मन शांत है। अशांत आदमी ध्यान में बैठेगा तो क्योटिक होगा, खुद भी परेशान होगा, दूसरे भी परेशान करेंगे। इसलिए तब हमारे घरों में माताएं जी पुरानी जब ध्यान में बैठी होती थी, माला तो जपती थी और ध्यान होता, किस कौन है, किसका फोन है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा नहीं है। तो ध्यान उसी का हो जिसमें आपका मन पूरी तरह से फोकस हो। ये मुझे नॉनसेंस मत बोलना कि आई कांट कंसेंट्रेट, वी ऑल कैन कंसेंट्रेट। ये आई कांट कंसेंट्रेट, माला नहीं जप सकता, क्यों, ध्यान नहीं लगता। मैं आपको माला दे दूं जपने को, ध्यान नहीं लगा, लेकिन 100-100 रुपए की गड्डी दे दूं, एकदम ध्यान लग जाएगा। कभी बैंक के काउंटर में देखो, लोग काउंटर में जब पैसे गिन रहा, नीचे कैशियर, ऊपर लोग शीशे में नाक रगड़ के हुए देखते थे, एक दो तीन चार पांच सात सात गिन रहे होते, हिला दो उस आदमी को, वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, आखिरी ओवर हो, कितने लोगों का ध्यान लगेगा। कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन बता रहा है, डॉक्टर आपको बता रहा है ये दवाई लेनी है इतने बार, चार बार दिन में लेनी है, आप कितने ध्यान से सुनते हो। आपका लॉयर आपको बता रहा है कि इस केस में आपको ऐसे करना है, आप बड़े ध्यान से सुनते हो। तो डॉक्टर की बात बड़े ध्यान से सुन लेते हो, वकील की बात बहुत ध्यान से सुन लेते हो, बैंक के नोट को बड़ा ध्यान से सुन लेते हो, लेकिन जब प्रवचन दे रहा होता तो ध्यान नहीं लगता सामने। यदि आपका ध्यान नहीं लगता, मीनिंग यू आर नॉट फिट फॉर मेडिटेशन, फॉरगेट इट। लेकिन हम हर अरे गहरे नथू गहरे को ध्यान में बिठा देते, पहला सब्जेक्ट उसे मेडिटेशन करते, स्पिरिचुअल सेंटर यही कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस। वेदांत अगेंस्ट है कॉन्सेप्ट के, भोग योग उपरति धारणा ध्यानम, फिफ्थ क्लास है ध्यानम की, फिफ्थ क्लास है ध्यान की। भोग है पहली, भोग दूसरी, योग तीसरी, उपरति चौथी, धारणा पांचवी, ध्यानम छठी, समाधि सातवीं, महासमाधि। भोग योग उपरति धारणा ध्यानम समाधि महासमाधि, ध्यान आपको समाधि की तरफ ले जाता है, समाधि मीन सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। तो समाधि ध्यान इज द लास्ट गेटवे, लास्ट स्टेप फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। और अभी हम भोग में फंसे हुए हैं, भोग विलास में अटके हुए, एक छोटी सी
स्टेटमेंट आपको डिस्टर्ब कर देती है, एक छोटा सा कमेंट आपका बीपी बढ़ा देता है, और भोग वाले व्यक्ति बाईपास करके ध्यान में बिठाना चाहते हो। भोगी को आप सीधा योगी सन्यासी बनाना नहीं चाहते, भोगी को सीधा ध्यान में बिठाना चाहते हो। मौखरी बनी हुई है। ओनली ग्रेस इज दैट वी आर नॉट सीरियस विद मेडिटेशन, वी कैजुअली ले लेते हैं। सीरियस हो तो इसके बहुत साइड इफेक्ट है। तो जिसकी कामनाओं पे वश हो, शून्य, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का अधिकारी है। श्लोक नंबर 19, वर्स नंबर 19, चैप्टर नंबर 6। यथा दीपो निपातस्सह लेगते सोपमासृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थः नेगते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। As a lamp in a windless place does not flicker, that similarly reflects a yogi with subdued mind practicing union with the self. जैसे दीपक वायु रहित स्थान में डोलता नहीं है, वही उपमा कही गई है योगी की जो संयमित चित्त द्वारा अभ्यास करता है आत्मयोग का। संयमी मन शांत होता है। बार बार हम बात करें रिस्ट्रेन, संयम, रिस्ट्रेन, 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 खाने में रिस्ट्रेन, बोलने में रिस्ट्रेन, देखने में रिस्ट्रेन, सोने में रिस्ट्रेन। आप कहोगे सर सारा दिन रिस्ट्रेन ही करते रहे तो एंजॉय क्या करेंगे? सम पीपल कैन कम अप टू दिस आइडिया, सर यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रेन, 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 रिस्ट्रेन। यदि रिस्ट्रेन करते सर एंजॉयमेंट का क्या टाइम होगा? एंजॉयमेंट का क्या मतलब है? हमारे कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि यू एंजॉय ओनली व्हेन यू इंडल्ज, बट उपनिषद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजता, यू व्हेन यू एंजॉय ओनली व्हेन यू रिस्ट्रेन। When you indulge, it is not enjoyment, please. Nostalgia है उसका। Take simple example in your life. आपने संकल्प लिया कि मैं एक दिन का उपवास करता हूं। संकल्प लिया कि I am going to have a one whole day उपवास। ये कुट्टू के आटे वाला उपवास नहीं, नवरात्रों वाला जो फ्राई करके आलू और टिक्कियां और कुट्टू आटे खा जाते हो, वो उपवास नहीं है, वो तो इंडल्जेंस है। उपवास में निराहार, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो रमजान चलते हैं मुसलमानों के समय तो कहते हैं थूक को निगलना भी हराम है, पानी तो बहुत दूर की बात है ना। दैट्स अनदर स्टोरी, वी कैन नॉट गो टू दैट लेवल नाउ। लेकिन आपने संकल्प लिया कि आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे, संयम का आपने सोचा, ब्रेकफास्ट मिस किया, लंच मिस किया, डिनर मिस किया, अगले दिन सुबह आपने सोचा मैं नाश्ता करूंगा, तो थ्री मील्स यू आर सपोज टू मिस, एंड देन आपने अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में एक सिंपल दाल भी इतनी टेस्टी लगी संयम का, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। किसी ने पूछा सर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रेन, किसी ने क्वेश्चन मुझे पूछा था व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रेन, द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रेन इज ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, आई डिड इट। सो आपने तीन मील मिस करे, उसके बाद अगले दिन आपने एक माँ की एक मूंगी की दाल भी इतनी टेस्टी लगेगी बिकॉज यू एंजॉय रिस्ट्रेन। सेकेंड एंजॉयमेंट क्या होगी? दैट आई वॉज एबल टू होल्ड माई सेल्फ, आई वॉज एबल टू रिस्ट्रेन। सो रिस्ट्रेन इज नॉट सॉरोफुल, इट्स एक्चुअली एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ मान लीजिए आपने संयम का संकल्प लिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, रात को इतना गुड़ 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 पेट में चूहे कूदने लगे, अब आपसे रहा नहीं जा रहा, अब रात को नींद नहीं आ रही, रात के
11 बजे आप गए, फ्रिज खोला और पेस्ट्री उठा के खा गए. What will happen to you? You will have a guilt within you. कि मैं रिस्ट्रेन नहीं कर पाया. तो रिस्ट्रेन, जो आदमी रिस्ट्रेन करता है उसके लिए स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व है. उसके लिए उदाहरण दिया है यहाँ पे दीपक का. हमारे शास्त्रों ने उदाहरण दिया, मैं आपको सबने देखा हुआ है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल आपको दीपक का एग्जाम्पल दिया है. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को समझाने के लिए. ये दीपक तब तक देखना, लाइट दीपक की हमेशा ऊपर होती है. दीपक की लाइट हमेशा ऊपर होती है और दीपक की जो रोशनी है वो ऊपर होती है. और वो दीपक तब तक जलता है जब उस जब तक उसमें तेल है. नोटिस कीजिएगा, जब तक उसमें तेल होता है, तेल जब तक है दीपक जलता रहता है, जलता रहता है. अब मान लीजिए आप दीपक को, लो को दबा दो, लो को बंद कर दो, अंदर तेल है तो दीपक दोबारा जल सकता, उसमें पोटेंशियल है. लेकिन गर दीपक जल रहा है और धीरे 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 तेल खत्म होता 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 होता, एक समय क्या हो जाएगा, दीपक भी बुझ जाएगा. तो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज क्या होती है, हम एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि वासना रूपी तेल है हमारे अंदर. हमारे अंदर जब तक वासना रूपी ऑयल है, तेल है, हम एक्टिविटी करते हैं. लेकिन अगर हम एक्टिविटी बंद कर दें, वासना है, तो वो दोबारा फिर मैनिफेस्ट हो सकता है. अंदर इच्छा तो है, अंदर थॉट्स तो है, लेकिन हमने कर्म को बंद कर लिया. लेकिन अगर आपके अंदर डिजायर्स हैं, तो 25,000 घोड़े आपको रोक नहीं सकते. और डिजायर नहीं है तो 25,000 घोड़े आपसे कर्म करवा नहीं सकते. लेकिन अगर डिजायर धीरे 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 खत्म हो रही है, तो फिर वासना खत्म हो गई. और वासना खत्म हो गई तो बुद्ध लाइफ भी खत्म हो जाती. मीन्स ह्यूमन बींग टू सेल्फ रियलाइजेशन होता है. सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि नाउ देयर इज नो मोर बर्थ. लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वासना, थोड़ी सी तेल कम 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 करते हैं, खत्म करते हैं, और साथ ही साथ और तेल डालते रहते हैं. तो वासना बढ़ाते रहते हैं और लाइफ की एक्टिविटी चलती रहती है. पर्पस क्या है, वासना को खत्म करना. दूसरा एग्जाम्पल, जब हवा तेज चल रही हो, हवा रहित जगह दीपक शांत होता है, मोह रहित मन शांत होता है. पहला कंपैरिजन है, जब हवा रहित हो, जहां वायु ना हो वहां पे मन दीपक शांत होता है. सिमिलरली जहां डिजायर बहुत ज्यादा ना हो, मोह रहित मन शांत होता है. दीपक की लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, मन हमेशा हायर डायमेंशन की तरफ जाना चाहिए. तीसरा, जब तक उसमें फ्लेम तब तक जलती है जब तक फ्यूल है. मन में तब तक आइडिया थॉट रहते हैं जब तक उसके अंदर वासना है. लेकिन जब हवा चलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब दीपक के आसपास हवा चलती है तो फ्लेम्स फ्लिकर होती है. और जब फ्लेम फ्लिकर होती है तो अंधेरा हो जाता है. इवन दो फ्लेम जल रही है, अंधेरा हो जाता है. उजाला कब होगा, जब दीपक की जो फ्लेम है वो स्टेबल होगी. स्टेबल होगी तो वो रोशनी देगी. यदि दीपक की फ्लेम फ्लिकर कर रही है तो रोशनी नहीं होगी. और जब हवा को आप रोक नहीं सकते, हवा को आप रोक नहीं सकते, इमोशंस की हवा आपको तंग करेगी करेगी. इसलिए ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, उस दीपक के आसपास एक कवर कर देता है. इंटेलेक्ट कवर कर देता है. लालटेन नहीं, ये दीपक जल रहा है लेकिन अब हवा जितनी मर्जी चले, रोशनी हमेशा सीधी रहेगी. रोशनी कभी भी खत्म नहीं होगी. क्यों? क्योंकि दिए के आसपास हमने क्या कर दिया, एक का आवरण दे दिया. सिमिलरली आप अपने मन की लो को, जो हायर की तरफ तभी जाएगी जब मन शांत होगा. और दूसरे के इमोशन को, संसार की हवाओं को आप रोक नहीं सकते.
संसार को आप हवा शून्य नहीं कर सकते, संसार में पंगे होंगे ही होंगे, संसार में लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि के लालटेन से, बुद्धि के कंट्रोल से, चाहे जितनी मर्जी हवा आ जाए, फ्लेम कभी भी अस्थिर नहीं होगी। तो आपकी बुद्धि इतनी दृढ़ हो, जैसे LIC का भी जो स्लोगन है, LIC भी जो है दिए के आसपास हाथ है, दिए के आसपास हाथ है, योगक्षेम महामयम। सो हम सबकी लाइफ में मन दिया है, वासना तेल है, हवाएं मोह हैं, ये हवाएं मोह हैं, और इस मोह रूपी दिए को, ये मोह दिए को फ्लिकर करती है, और जब फ्लिकर करती है तो अंधेरा होता है, तो वो हवाओं को आप रोक नहीं सकते, लोगों की जबान आप बंद नहीं कर सकते। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई, लोगों के कमेंट्स को, लोगों के लोगों की जबान को आप बंद नहीं कर सकते। सो अपनी बुद्धि को उस मन के ऊपर आवरण दीजिए, अपनी बुद्धि को उस मन का सपोर्ट दीजिए, उसके बाद जितनी मर्जी हवा आ जाए, आपके मन को कोई डुला नहीं सकता। श्लोक नंबर 20, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर। यत्रो परम तेजितम् निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। When the mind, restrained by the practice of yoga, comes to rest, and when seeing the self alone, by the self, it is satisfied in जब चित्त योग अभ्यास द्वारा निरुद्ध हो जाता है, योग अभ्यास इंपॉर्टेंट शब्द है, आराम को प्राप्त होता है, तब आत्मा को आत्म द्वारा देखता है, आत्मा में संतुष्ट होता है। When you are self-satisfied within yourself, yourself is a friend of yourself, yourself is the enemy of yourself. जब आप अपने में खुश हो, if you don't love yourself, don't expect people will love you. If you don't appreciate yourself, you are the best creation of the nature. आपके fingerprint कहीं से नहीं मिलते, आपकी हर चीज unique है. So one has to appreciate that this creation that I have, it is not an ego. It is not an arrogance. It is a matter of fact. कितने में दोगे अपनी आंखें? एक लाख रुपए में दे दोगे मुझे अपनी आंख? जिंदे जिंदे, मरते बाद नहीं। किडनी, लीवर, पैनक्रिया कितने में दोगे? कितने यूनिक इंडिविजुअल हो आप, और फिर अपने आप को, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे तो हर चीज कटेगी, जिंदगी रोते रोते ये कह के गई है, खुशी रोते रोते कटेगी ये, अब जिंदगी रोते रोते ये कह के गई है, खुशी रोते रोते ये मालूम होता है, किस्मत हमारी लिखी है खुदा ने, जैसे रोते रोते। That's not the truth. That's not the truth. Self contentment, self sufficient, self poise, self satisfaction, atma sukham, atmanirbhar. उपरमते शब्द आया, तो योगी अभ्यास द्वारा निरुद्ध होता है और आराम को प्राप्त होता है। ये आराम शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी किसी ने कहा काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ काम करो। कभी ने कहा काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ काम करो। काम जिंदगी की है सुधा, उसके ऑपोजिट किसी स्कूल के बच्चों ने, या पता नहीं किसने बनाया, एक और उल्टा बना दिया।
तो कविता कहती स्कूल में काम करो, कुछ काम करो, जगने रह के कुछ काम करो। लड़कों ने बना दिया आराम करो, आराम करो, आराम शब्द, जगने रह के आराम करो। आराम शब्द में राम छुपा, आराम शब्द में राम चुका छुपा, ये सब बंधन को खोता है। आराम शब्द की एक सुधा सारे बंधन को तोड़ता है। आराम कब मिलता है आपको? आराम when do you get relaxed? एक गृहिणी के घर में रिश्तेदार आए, काफी मेहमान आए, खाना परोसा गया, खाना परोसा गया, खाना बना है, परोसा, सब खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छा फंक्शन, बड़ा अच्छा गेट टुगेदर हो गई है। लेकिन गृहिणी को आराम कब मिलेगा? आप कहोगे सब जब गेस्ट चले जाएंगे तब तो उसका काम शुरू होगा, जब सारा खलारा बर्तनों का, सारा किचन साफ हो जाएगा, जब सारा यूटेंसिल हो जाएंगे, देन ऑनली शी विल गेट आराम। आराम कब मिलेगा? जब उसकी सारे कर्म खत्म हो जाते। आराम कब मिलता है आपको? अब वर्ल्ड टूर पे होके आ जाइए, वर्ल्ड टूर पे होके आ जाइए, 10 दिन 15 दिन के यूरोप टूर पे हो जाइए, द बेस्ट होटल में रह लीजिए, द बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए, द बेस्ट कंफर्ट्स को ले लीजिए, 10 दिन यू रियली हैड अ गुड टाइम, बट टेल मी वन थिंग वेरी ऑनेस्टली फ्रेंड, आपको आराम कहां मिलेगा? जो मजा ना बुल्ख ना बुखारे, जो मजा ना बुल्ख ना बुखारे, वो मजा छज्जू के चुबारे। आराम कब मिलेगा? जब आप अपने बिस्तरों पे सोओगे। तो जन्म 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 हम अलग अलग घरों में सोए जा रहे हैं, कितने नाम बदले, कितने रूप बदले, कितने शरीर बदले, कितने रंग बदले, कितने परिवार बदले, कितने माँ बाप बदले, कितनी पत्नियां बदली, कितने पति बदले, कितने बच्चे बदले, कितने शहर बदले, ये एक जन्म से दूसरे जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। चल खुसरो घर आपने, रैन भई परदेश, आराम कब मिलेगा? ये दुनिया मुरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ओढ़ चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा। तो जब आपके दिमाग का गुंजल खत्म होंगे, जब डिजायर खत्म होगी, जब डिजायर डिसॉल्व होंगी, तभी आराम मिलता है। Otherwise, you will have no peace. You will be in pieces. You cannot have a peace if you have a desire. Peace comes only when you reduce your desire. Take it or leave it. If you don't have a peace, you are in pieces. Why you are in pieces? Because there are zillions and zillions of desires. Ek desire yahan kisse, ek desire yahan kisse. एक डिजायर यहाँ कहते, एक डिजायर सोने को कहते हैं एक जगह, एक डिजायर एक्सरसाइज को बोलते हैं, एक डिजायर खाने को बोलते हैं, एक डिजायर पार्किंग भी बोलते हैं, एक डिजायर ड्राइविंग भी बोलते हैं, एक डिजायर ये डिजायर वो डिजायर, और उन बहुशाखा बहुशाखा में हम फंस गए, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी मैंने इस श्लोक को पूरा नहीं किया, सिर्फ एक शब्द पे किया, वह आराम। यू फील कंफर्टेबल when you reach your original place, you feel relaxed once you are reach your place, once you are somewhere else, it's all pretentiousness, pretentiousness, pretentiousness. शादियों में चले जाओ, ज्वेलरी पहन के लोग घूम रहे होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी, साड़ी पहनते, टाई सूट पहनते, लेकिन जैसे ही नमस्ते नमस्ते करके वो शनन का कार देके जैसे ही वापस अपनी कार में बैठते हैं, शुरू टाई कम शूज निकाल देते हैं,
क्योंकि अब ये आपकी ओरिजिनल नेचर है। तो हम जब तक अपने ओरिजिनल घर तक नहीं पहुंचेंगे, जो उस परम का घर है, जो उस हमारे माता पिता का घर है, जो उस परम सत्ता का घर है, जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं होंगे, जन्म 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 भटकते रहेंगे। आराम कब मिलेगा? जब हम अपने ओरिजिनल हाउस से आएंगे, जहां से आए हैं। जितना मर्जी आपको यूरोप का कंफर्ट हो, जितना मर्जी आराम हो, जो मजा ना बुल्क ना बुखारे, वो मजा छज्जू के चुबारे। सोचिएगा इस बात, इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।